हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था थी उसमें एक नया आदेश आया हुआ है। क्या है वो आदेश और कैसे आपको क्या करना है मैं सब बताने वाला हूं उसके बारे में। तो उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन की जो व्यवस्था थी उसमें 2 लाख से ज़्यादा आवेदकों के आवेदन पत्र सत्यापित हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो है लोगों के आवेदन सत्यापन नहीं हो पाए हैं। उन्होंने ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अपनी जो है समस्या वो उससे अवगत कराया है। तो NIC ने जो भी त्रुटि सुधार के लिए संभावनाएँ बताई हैं, समस्या सुधार के लिए तरीका बताया, वो तरीका आज हम बताने वाले हैं। तो अगर आपकी जो है आपकी क्या करना है आपको आपको अपना जो स्वयं का जानकारी भरना है तथा उसे लॉक करना है और संकुल प्राचार्य को लिखित आवेदन देकर आपको अनुरोध किया जाए कि आपके आवेदन में Para 2 में के अनुसार त्रुटि हुई है जिसको संशोधित करके आपके आवेदन को सत्यापित किया जाए। संकुल प्राचार्य संलग्न प्रक्रिया के अनुसार संशोधन एवं सत्यापन संबंधी कार्यवाही करेंगे। तो पूर्व में प्रेषित पासवर्ड खो गया है, याद नहीं है, तो पासवर्ड रीसेट करने की सुविधा जो उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक इस सुविधा के माध्यम से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आवेदक को वेरिफिकेशन कोड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप जो है अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके बाईं तरफ का जो ऑप्शन है गेट वेरिफिकेशन कोड बाई आधार पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर तथा जन्मतिथि आप दर्ज करेंगे। पूरी प्रक्रिया करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको वेरिफिकेशन कोड प्राप्त हो जाएगा। उक्त प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करना जो है वो आवश्यक है। आइए अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या करना है। तो देखिए, अतिथि शिक्षक हेल्प मैनुअल की बात करें तो आपको यहाँ से आप अतिथि शिक्षक पोर्टल में जा सकते हैं। ये सब बनी हुई हैं विभिन्न विभिन्न, कहाँ से आपको लॉगिन करना है, क्या करना है, वो सब प्रक्रियाएँ जो है यहाँ पर हैं। तो यहाँ से आप जो है क्लिक करके जो है अतिथि शिक्षक के लिए लॉगिन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो आगे जो आ जाता है वो आ जाता है, हम बात करें तो अपने आवेदन के वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अपना वेरिफिकेशन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको दिख रहा है ऑप्शन, आपको वहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट करना है। नो योर वेरिफिकेशन स्टेटस लिंक पर जो क्लिक करने के उपरांत निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर आप अपने आवेदन की वेरिफिकेशन जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है। लॉगिन करने के पश्चात एक स्क्रीन खुलेगी जिस पर आपको बाईं तरफ कुछ मेनू प्रदर्शित होंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है, कृपया अपना आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन करने के समय सावधानी बरतें। बिल्कुल। और आगे देख लेते हैं, अपने प्रोफाइल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको दिख रहा है कहाँ क्लिक करना है। अपने शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको यहाँ सेकंड नंबर पर क्लिक करना है। थर्ड नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्लिक करना है और फोर्थ नंबर पर अपने पासवर्ड लॉक के लिए क्लिक करना है। अपने प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अपने वेरिफिकेशन प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करना है और वेरिफिकेशन स्टेटस के लिए यहाँ क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कोड के लिए यहाँ क्लिक करना है। आधार से वेरिफिकेशन कोड कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। ये पूरी प्रक्रिया है और ये है बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार आवेदक का नाम, उपनाम और स्पेलिंग, जेंडर में संशोधन के लिए है। तो यहाँ पर आपको जो है ये पूर्ण जानकारी पूर्व के अनुसार ही आपको डालना है और ये सब जानकारी डालने के बाद संकुल प्राचार्य द्वारा उक्त बिंदुओं पर संशोधित जानकारी की प्रविष्टि की जा सकती है। तो ये सब पूरी जो है जानकारी है।